स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सई की कस्टडी मिलने से रजत को अब कोई नहीं रोक सकता और रजत ने यह बात साफ साफ अर्श और आशिका के सामने भी बोल दी है। लेकिन यहां पर आशिका को अब बहुत ज्यादा जलन होने वाली है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो लड़की कौन है जिससे कि रजत शादी करने वाला है और रजत उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है। यहाँ पर आशिका को लग रहा है कि उसने रजत को छोड़कर गलती कर दी है क्योंकि रजत की दूसरी शादी होने से सई की कस्टडी भी उससे छिन जाएगी और वह अपनी बच्ची को कभी दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर अर्श और आशिका मिलकर अब नई चाल चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और पता लगाने वाले हैं कि आखिर वह लड़की कौन है जिससे कि रजत की शादी हो रही है और आखिरकार यह बात पता चल जाएगी आशिका और अर्श को तो वो बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं शादी में रजत और सवी की। तो लेकिन फाइनली यहाँ पर रजत और शवि की शादी होते हुए नजर आने वाली है। हम लोगों को मुश्किलें पार करते हुए उन लोगों की शादी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सई अपनी माँ सवि के पास आ जाएगी क्योंकि अब सवि ही उसकी माँ हो जाएगी क्योंकि वो रजत से शादी कर लेगी। तो अब जैसा कि कुछ नहीं है प्यार जैसा रजत और सवि के बीच में, तो दोस्तों क्योंकि सवि भी रजत से प्यार नहीं करती है और ना ही रजत प्यार करता है सवि से, तो धीरे धीरे रजत की फैमिली भी सवि को एक्सेप्ट करने लगेगी। वह देखेगी कि सवि का रवैया, क्योंकि सवि इतना ज्यादा ख्याल रखती है सई का एक माँ से बढ़कर। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं आगे का एपिसोड जानने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।